I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. तवज्जो चाहूंगी खवातीन ओ हजरात जी, मैंने कहा तवज्जो चाहूंगी खवातीन ओ हजरात। हाँ साहब, सारी बातें आज ही कर लेंगे, आधा वर्ज है जी। इस खाकसार का नाम मुनीरा असलम जियाउल बानो है। नाम है ही खजाने का पता। थोड़े ही लम्हात में रश के माह बेगम पारा इस महफिल से रूबरू होने को है। चंद बातें जिनसे हर मर्द से गौर करने की गुजारिश है। बेगम से किसी भी किस्म के जिस्मानी लम्से परहेज करें और आँखों को ना तकने की हिदायत दें। बेगम कागजी हैं, कोई ज़्यादा देर देख ले तो नज़र लग जाती है, इसलिए ठंडी सांसें, गहरी आहें और खामोश फुगाएं बेगम की मौजूदगी में गैर जायज़ हैं। तो हाजरीन, बेगम पारा। ये है नवाब जी, माफी चाहते हैं। नवाब चांदपुर, आदाब। आदाब। आपको पहले कहीं देखा है? याद आए कहां तो इतना जरूर कीजिएगा, हम भी ढूंढ रहे हैं कब से अपने आप को। बस नूर मोहम्मद इतालवी साहब कहाँ हैं जी? वो बेगम साहब, आप कानपुर तक तो थे इतालवी साहब हमारे साथ, ट्रेन में हमने देखा था। इंतजारियों की फहरिस्त यूँ तो काफ़ी लंबी है, पर अब आखिरी वक्त पे किसी अच्छे शायर का मिलना ज़रा मुश्किल ही है। बेगम साहिबा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे जान भाई है ना। अरे ये तो बड़े बड़े शायरों की ऐसी की तैसी कर सकते हैं कंपटीशन में। नहीं नहीं, ये मजाक कर रहा है। अरे मजाक तो आप कर रहे हैं जान भाई, अभी कल ही भाई ने क्या गजब का शेर कहा था। अरे अरे, क्या शेर था लियाकत भाई, क्या शेर था? क्या शेर था वो? हाँ, क्या शेर था? यहाँ पजामे की कीमत कम है, मुझे दारू में पानी कम दे। एमएलए साहब, इरशाद। इरशाद। कुछ यूं सा है कि यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं। यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे गिलास बढ़ा दे, शराब कम कर दे। शुक्रिया। इतने हसीन शेर का मतलब भी इरशाद करें। हाँ साहब। अभी हुआ नहीं है, काम चल रहा है। फिर भी इरशाद कुछ यूं सा था कि क्या था कि अरे भाई, कोई मिसरा उछालिए, चलिए। संवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे। बहुत आप देखते हैं कौन कहता है सानी मिसरा। तो संवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे, गिरे पड़े हुए लफ्जों को मोहतरम कर दे।
मतला क्यों नहीं दिया बे? सिर्फ शेर दिया, मतला क्यों नहीं दिया? अबे तुझसे पूछ रहा हूं। हुआ नहीं था तो क्या? हुआ नहीं था ना तो क्या पैदा कर देते? देख रहे हो नूर मोहम्मद दहलवी, इटालवी, नूर मोहम्मद इटालवी। इटालवी ये कहाँ है बे? इटली में। वो फोर्स वाला? हाँ, हमारी अम्मी इटली से हैं। अब क्या बात है यार, मुबारक हो भाई। और अच्छे तो देख भाई, नूर मोहम्मद इतालवी ऐसा है कि शाम तक हमें 20 नई गजलें चाहिए। 20 गजलें शाम? वो भी ऐसी कि सुन के कलेजा मुंह को आ जाए, वरना तेरा भेजा तेरी जानों पे आ जाएगा। अंडरस्टैंड? कोई समझाए इनको कि 20 गजलें शाम तक कैसे होंगी? हम कंप्यूटर हैं क्या? बर्फ थोड़ी दे दीजिए। पहले हरफ फिर बर्फ। वाह वाह वाह, जा भाई ये भी कमाल का मिश्रा हो गया। शुरू हो जा भाई। संभाल के मियां, तेरा संभाल के। कल थोड़ा रहम फरमाना हम पर। तो हाजरीन, मुशायरे की इस हसीन शाम का आगाज मैं डॉक्टर बशीर बद्र के एक खूबसूरत शेर से कर रहा हूँ। वो इतरदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू जबान की खुशबू। और अब मैं खैर मकदम कर रहा हूँ उर्दू ज़बान की इस खुशबू की निगहबान काबिल एहतराम माजिदाबाद की बेगम पारा मीरज़ादा का। बेगम पारा मीरज़ादा माजिदाबाद की अदब नवाजी की नज़र करता हूँ अपना मतला। निशान, जब मैंने उसे खास निगाहे नास से देखा, जब मैंने उसे खास खास निगाहे नास से देखा, आईना फिर उसने नए अंदाज से देखा। चराग जलाते ही पोरस की फौज भाग गई, गली में तन्हा सिकंदर उदास बैठा है। वही ताज है, वही ताज है, वही तख्त है, वही जहर है, वही जाम है। ये वही खुदा की जमीन है, ये वही बुतों का निजाम। अरे लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। बड़े शौक से मेरा घर जला, बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आंच तुझ पर ना आएगी। ये ज़बान किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मेरे पास ना वो अल्फाज की चाशनी है, ना वो अंदाज़े सुखन जिससे आप सबको आशना कर गए हैं ये सारे आलिम फाजिल हजरात मुझसे पहले। मेरे पास अगर कुछ है तो सिर्फ एक उड़ियां धड़कता हुआ दिल, जिसकी आवाज़ मैं आज
ماجدآباد کی بیگم صاحبہ، جنابہ پارا بیگم کی خدمت میں نظر کرنے کا مشتاق ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ بہت زور سے مار دیا تھا نے، لگ گئی خالو۔ دیکھو ہار تو گر گیا تھا نا اسی دن، اس دن جب ہم بھاگے تھے نا، تجھے یاد ہے میں نے گولی چلی تھی، میں نالی میں گرا تھا تو ہار تو وہیں گر گیا، مجھے لگا تو نے دیکھا ہوگا۔ میں نے تو نہیں دیکھا خالو۔ یہی تو پرابلم ہے تیرے ساتھ، تو کام میں دھیان نہیں دیتا کبھی بھی، مجھے لگا تو نے دیکھا ہوگا، اٹھا لے گا، میں بھاگے اپنی جان بچائے۔ تو پھر تم قبرستان پہ کیوں نہیں آئے جو مشتاق بلایا تھا؟ میں کیوں آتا، اپنی گلی کٹوانے، تیری تو سلامت ہے نا بیٹے۔ وہ تم مذاق سوچ رہے ہو تم کو، میں فون کرتا ہوں مشتاق کو، نمبر لگاتا ہوں، ساری ہیکڑی باہر آ جائے گی تمہاری۔ ارے نہیں نہیں نہیں، یہ رہا بات کرو۔ نہیں ببن مشتاق، ہلو ہلو، تو مشتاق کو فون نہیں لگائے گا۔ کیوں کیوں؟ کیونکہ میرے گھاگرے کے پسو، ادھر دیکھ۔ کیا خیال ہے؟ اچھی ہے خانم۔ نواب صاحب، آپ جی؟ ہائے اللہ، سب ٹھیک تو ہے؟ جی ہاں بالکل۔ آپ کی ناک سے خون نکل رہا ہے۔ لگتا ہے میں ذرا، دراصل ذرا بھاگ رہا تھا۔ کس لیے؟ اتنی تعریف ہوئی وہاں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، بس بھاگ آیا وہاں سے۔ اور ویسے بھی آپ کے یہاں اتنی خاطر ہوئی ہے پچھلے دو دن سے، اتنا کھا رہے ہیں، اتنے پیتے ہی رہے ہیں کہ لگتا ہے نکسیر پھوٹ گئی۔ دیکھوں تو چلیے، حویلی چلیے، ہم کچھ لگا دیتے ہیں۔ جی وہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا خون نکلا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے آپ کی تعریف، یہ ہمارے خادم ہیں۔ نام ببن میاں، اپنا نام بتاؤ۔ ببن، منہ لگو۔ چلیے جی، خادموں کے کمرے حویلی کے پیچھے، کھانے کے بعد لحاف تکیہ لے کے آ جانا۔ اگر تو بھی وہیں رہتی ہے نا تو قسم خدا کی میں تو سیٹل ہو جاؤں۔ اب ٹھیک ہے؟ جی شکریہ۔ لائیے۔ شکریہ۔ ذرا ہتھیلی آگے کیجیے، بائیں نہیں دائیں۔ کیا کیا دیکھا آپ نے؟ آئیے، یہ دل کی لکیر ہے، جگہ جگہ سے کٹی ہوئی۔ عشق میں بہت چوٹیں کھائی ہیں آپ نے۔ آپ نجومی ہیں؟ شوقیہ، مگر پیشے وروں سے بھی پیشے ور۔ چپ۔
इनकी जुबान से निकला सच होके ही रहता है। अच्छा, इसकी बातों में मत आइए, सबसे बड़ी गपोड़ी है। गपोड़ी और हम। कुछ और बताइए ना हमारे बारे में। चलिए, आप जिंदगी के सबसे अच्छे वक्त में कदम रखने को हैं। जितने भी रोग हैं सबका चारा खुद ब खुद हो जाएगा। आप कुछ बहुत कीमती चीज छुपाए रखे हैं अपने पास। अरे बबन, मैं अगर आपने फोन से हमारा फोटो तो खींचो बेगम साहब के साथ। हमारे फोन की बैटरी डेड है। हमारे फोन में बैटरी है, हम खींच दें। चला आईफोन दो। कितने में लिया? शाम के बाद अगर मुलाकात की कोई सूरत हो तो। शाम के बाद तो रात होती है जी, मेरा मतलब। और आजकल हमारी रातें याद अल जौजा पर टिकी हैं। याद अल जौजा? तारा है चांद के करीब, बड़ी पारे की गेंद सा चमकता है। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.